तो फ्रेंड्स, टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, गेट एग्जाम निकालने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो गेट एग्जाम निकालने का सबसे आसान तरीका, इस तरीके को कोई भी पर्सन अप्लाई करके गेट क्रैक कर सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन, मतलब आपके बेसिक्स है नहीं है, ठीक है, आपको पहले से कुछ आता है नहीं आता, आपने पहले तैयारी की है नहीं तैयारी की है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, आपको सब्जेक्ट्स के नाम मालूम है या नहीं है, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी स्टूडेंट इस तरीके को अप्लाई करेगा वो गेट एग्जाम क्रैक करेगा ही करेगा, ये कंफर्म है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एंड इट्स एक्सट्रीमली इजी, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, और ये तो बात मैं कर रहा हूं अभी गेट क्वालिफाई करने की। ठीक है, मतलब गेट क्वालिफाई जो 30-32 मार्क्स होते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, ये कंफर्म है। उसके बाद मतलब तीन चीजें इसमें और मिला दी जाए, अगर तीन चीजें अगर और मिला दी जाए तो आप मतलब किसी अच्छे आईआईटी में ही पहुंच सकते हो। ठीक है, पीएससी तो नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, पर आप मतलब आईआईटीज में भी पहुंच सकते हो अगर तीन चीजें और मिला दी जाए। ठीक है, वो तीन चीजें कौन सी है मतलब, और ये तरीका क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको मतलब दो तीन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करने, नहीं मैं कोर्स नहीं बेच रहा, नहीं बेच रहा, ठीक है, जो भी को स्टूडेंट्स गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैं उन लोगों को वन टू वन कह रहा हूँ, पर्सनली मैकेनिकल वाइब्रेशंस पढ़ा रहा हूँ, अपने फोन पर वन टू वन पढ़ाऊंगा मैकेनिकल वाइब्रेशंस। उसका क्रैश कोर्स है, 10 आवर्स का ये कोर्स है। ठीक है, उसको करोगे तो 2 से 3 मार्क्स का कंफर्म, मतलब बड़े आराम से गेट जो 25 आने वाला है वो कंफर्म आएगा ही आएगा और वो क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट 10 आवर्स का क्रैश कोर्स है, उसमें भी मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ाऊंगा, बाकी के 6 आवर्स आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे। सो दीज 10 आवर्स दे इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज समझ आ रही। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस का फ्री कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष अंदर गेट मैकेनिकल लेक्चर्स है, उस पर मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की फ्री क्लासेस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी मोबाइल ऐप पे जाके आप उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या बेटर ही है आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन योर फ्री क्लासेस। ठीक है, और मतलब मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपका पर्सनल लिंक, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दूं, मैं आपको पर्सनली मैकेनिकल वाइब्रेशन भी पढ़ा दूंगा वन टू वन। ठीक है, आपको और गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, प्लस इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का 1 साल का कोर्स, पेड कोर्स 3,000 रुपए का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बस नीचे कमेंट से मेंशन कर देना। ठीक है, तो रजी मैं बात कर रहा था कि सबसे आसान तरीके की टू क्रैक गेट मैकेनिकल एग्जाम। ठीक है, एंड दैट इज टू सॉल्व गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपके पास, सभी के पास, इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास गेट मैकेनिकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, मतलब या तो इस साल आपने गेट 25 के लिए ली होगी या पिछले साल ली होगी, और अगर उससे ज़्यादा पुरानी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं परचेज कर सकते तो नहीं कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो गेट प्रीवियस ईयर बुक अगर आप करते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली गेट एग्जाम निकालोगे ही निकालोगे। उसके पीछे की राजे जो मतलब सोच है वो ये है कि उस किताब के अंदर पूरी मैकेनिकल के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उस बुक को करते हो तो आप गेट एग्जाम बड़े आराम से निकालोगे, फॉर्मूले सारे आपके हो जाएंगे, प्रैक्टिस सारा हो कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात बन जाएगी। अब बात यह कि ये मेहनत कितनी मांगता है, कितनी मेहनत मांगेगा। ठीक है, तो अगर मतलब आप खाली मतलब 20 साल के क्वेश्चंस, 20 पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हैं पिछले पिछले 20 सालों के, या एक्चुअली 20 साल और 20 पेपर्स में काफी फर्क है, बिकॉज बीच में कई साल ऐसा हुआ कि एक ही साल में मल्टीपल सेट आए हैं, सेट 1 2 3 4, सेट 1 2, इस तरह से। तो मतलब 20 साल के पेपर करना और 20 पेपर करने में काफी फर्क है। ठीक है, चलिए मतलब 30 क्वेश्चन पेपर्स हम लेके चलते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हैं और एक पेपर में अगर 65 क्वेश्चंस हैं, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, मैकेनिकल, मैथ्स, इंग्लिश, एवरीथिंग, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 65,
दैट रफली ट्रांसलेट्स टू 1950 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल ये आपको सॉल्व करने हैं। और अभी हमारे पास मतलब अभी अक्टूबर ऑलमोस्ट आधा निकल गया, आधा बचा हुआ है, 15 डेज अभी भी हैं, नवंबर दिसंबर जैन, तो 3 महीने रफली मतलब अगर आप सारा मिला के अगर 100 डेज अगर आप लेके चले कि 100 डेज अगर आपके पास है तो 1950 डिवाइडेड बाय 100 डेज दैट रफली ट्रांसलेट्स टू 20 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है। तो अगर आप 20 क्वेश्चंस अगर आप हर रोज जस्ट 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, रोज एक सब्जेक्ट पकड़ते हो उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नेक्स्ट डे फिर अगले 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, अगर आप इस तरह से डेली अगर आप 20-20 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका गेट एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। प्लस इसमें वो कौन सी 3 चीज़ें जो अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, अगर आपने 11th-12th में मेहनत की है, अगर की है मतलब आपके फिजिक्स के मैथ्स के कंसेप्ट्स अच्छे हैं और अगर आप अभी ये 100 डेज आप अपना बेस्ट देते हो और मतलब बिल्कुल, और तीसरी चीज़ है किस्मत, अगर लक उस दिन आपके साथ रहता है, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर आपकी मिल जाती हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप मतलब सिर्फ इतना करके आप IITs तक भी जा सकते हो। उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ, कारण क्या है कि मैकेनिकल में जो कॉम्पिटिशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देर वॉज अ टाइम 2017 में 18 में 2-2.5 लाख बच्चा पेपर देता था, इस बार गेट 25 के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि 50,000 बच्चे एग्जाम देंगे, 50,000, तो कंपटीशन सिर्फ 20% रह गए, बस 20-25% कंपटीशन रह गए, ठीक है। तो अब और मतलब कंपटीशन इतना घट चुका है, प्लस जो प्रिपरेशन है बच्चों की वो टोटली डिस्ट्रैक्टेड है, चारों तरफ से वो मतलब जैसे YouTube से कंटेंट ढूंढ रहे हैं और मतलब टीचर्स के बजाय बच्चे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब टीचर से नहीं पूछेंगे अब कैसे पढ़ाई करनी है, इन्फ्लुएंसर्स के वो वाले भैया वो वाली दीदी हमें बता रहे हैं कि इस तरह से तैयारी करनी तो हम उस तरह से करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो कंपटीशन है वो पहले ही ख़त्म हो चुका है, उसके बाद जो गाइडेंस मिल रही है और जिन रिसोर्सेज से वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरी खिचड़ी पकी हुई है, 2 टॉपिक्स यहाँ से पढ़ लिए, 2 टॉपिक्स वहाँ से पढ़ लिए, 1 क्वेश्चन वहाँ से देखा, 1 क्वेश्चन वहाँ से देखा, ये सब करके मतलब प्रॉपर एक जो खिचड़ी होती है ना वो बन रही है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है, आपके लिए यानी कि सक्सीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो अगर मतलब आप खाली गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके जाते हैं, ठीक है, तो भी आप मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट गेट मैकेनिकल का एग्ज़ाम क्रैक तो होगा ही होगा, जो 12,800 रुपये की जो स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, हर महीने अगर आप कहीं पर एमटेक में एनरोल करते हैं तो उसका जुगाड़ तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो रजी मैं आपको भी बोलूंगा कि आप अभी से ही इफ़ यू डोंट हैव द बुक आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे अपने किसी नज़दीकी बुक सेलर से ले आइए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसे करना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मेरी कुछ मदद ले सकते हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चन अपने यूट्यूब पर सॉल्व कर रखे, कुछ मेरे फ्री कोर्सेज में भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप बस जो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, कि मैं आपका मैकेनिकल वाइब्रेशंस का थर्मोडायनेमिक्स का फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इन फ्री कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना, आपके ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ये मैं तैयार करा दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स का अराउंड 6 नंबर का मान के चलो, वाइब्रेशंस का अराउंड 4 नंबर का मान के चलो, तो 10 नंबर का काम मैं आपका सेट करा दूंगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7206873757, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, ठीक है, आप मुझे प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।